दिलवालों के दिल्ली में अजब गजब खेल होते हैं। बताना जरूरी है कि खेलने वाले कोई तीरंदाज नहीं, बल्कि शोहरत के शिखर पर बैठकर खुद को भगवान समझने वाला वो शख्स है जो हाथों में पिस्तौल लेकर 5 सितारा होटल के बाहर अपना रसूख दिखा और बता रहा था। वो बता रहा था कि वो किसका बेटा है। उसके तेवर बता रहे थे कि वो पूर्व सांसद का बिगड़ायल बेटा है, जिसके लिए शराब के नशे में किसी की जिंदगी छीनना कोई बड़ी बात नहीं। हद से ज्यादा शोहरत किसी को भी पागल कर सकती है, इसका हालिया सबूत राजधानी दिल्ली में देखने को मिला है। जहां एक शख्स हाथ में पिस्टल लेकर खुलेआम महिला के साथ बदतमीजी करता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली में सोमवार रात एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसमें कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली के 5 स्टार एक होटल के बाहर गुलाबी रंग की पैंट पहना शख्स तमंचा लहराता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में शख्स होटल के गेट के बाहर ही एक अन्य कपल को धमका रहा है। वायरल वीडियो में बंदूकधारी शख्स के साथ एक लड़की भी है जो वहां मौजूद कपल को लगातार गालियां दे रही है। इस पूरी वारदात के दौरान होटल के गार्ड वहां चुपचाप खड़े रहे। वो शख्स लगातार बंदूक लहराते हुए कपल को धमका ही रहा था, कितने में दूसरे शख्स ने आकर बीच बचाव किया और समझा बुझा कर उन्हें गाड़ी में बिठाया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद राकेश पांडे का बेटा आशीष पांडे है। होटल मैनेजर के द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार ये वीडियो 13 अक्टूबर की रात का है। चौदह तारीख की सुबह लगभग 3:40 के आसपास एक घटना होटल के अंदर हुई, जिसकी सूचना पुलिस को जब वीडियो आप लोगों के या दूसरे लोगों के माध्यम से मिला है, उसके बाद पुलिस ने होटल को संपर्क किया कि ये क्या घटना है और क्यों इस घटना को पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया गया है, न होटल स्टाफ की तरफ से और न ही जो विक्टिम्स हैं या जिन लोगों का आपस में झगड़ा हुआ है। उस रात लेडीज़ वॉशरूम में घुसने के ऊपर 2 पार्टियाँ थीं जो फंक्शन अटेंड करने आए थे, उनमें आपस में बहस हुई है और उसी बहस वो बहस बढ़ते बढ़ते होटल के कॉरिडोर तक आई है और उसमें एक व्यक्ति ने पिस्टल निकालकर वहाँ मौजूद लोगों को धमकी दी है और उसके बाद दोनों ग्रुप वहाँ से चले गए हैं। सीसी फुटेज वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में है और FIR दर्ज कर ली गई है और एक टीम दिल्ली से लखनऊ रवाना कर दी गई है। मोहम्मद आसिफ, लाइव टुडे, दिल्ली। तो लखनऊ का रही ज्यादा, जब दिल्ली पहुंचा तो उसने क्या क्या गुल खिलाए आपने देखा और जाना। मगर चंद रोज पहले जो शख्स कैमरे पर अपनी ताकत दिखाता नजर आ रहा था,
मामला पुलिस की जानकारी में आते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो अपनी मर्जी से गायब हो गया। आलम यह है कि उसे तलाशने के लिए दिल्ली और यूपी की पुलिस शहर शहर दबिश दे रही है। शोहरत के आगे कानून को भी बौना करने की इसी कोशिश ने आशीष पांडे को असल जिंदगी का विलन बना दिया है। हर कोई इस विलन के बारे में जानना चाहता है। आपको ये तो पता है कि इस बंदूकबाज के पिता बसपा से सांसद रह चुके हैं, तो चलिए आपकी जानकारी में थोड़ा और इजाफा करते हैं। दरअसल आशीष पांडे एक बड़े राजनीतिक परिवार से आता है। उसके पिता राकेश पांडे बसपा पार्टी से अम्बेडकर नगर के सांसद रह चुके हैं। वहीं उसके भाई रितेश पांडे अम्बेडकर नगर के जलालपुर से बसपा विधायक हैं। खुद आशीष ने एक बार चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा था। सियासी रसूख वाला आशीष फिलहाल लखनऊ में रियल एस्टेट का बिजनेस चलाता है। आशीष और उसका पूरा परिवार यूपी की राजधानी लखनऊ में ही रहता है। लखनऊ का रहने वाला आशीष अक्सर अपने दोस्तों के साथ दिल्ली जाता रहता है। हाल ही में वो जब दिल्ली पहुंचा, तो होटल हयात में उसने जो कुछ भी किया उसने उसे आरोपी बना दिया। वारदात का वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस पर संज्ञान लेते हुए आशीष को पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। The complaint, no lady has made any complaint to the police that somebody has been teased or molested or something like that. But on the basis of the video, we are adding 506, 323, 341 and all the 354 and all the relevant sections in this case. पुलिस ने बताया कि आरकेपुरम में स्थित हयात रीजेंसी होटल के असिस्टेंट सिक्योरिटी मैनेजर की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है। उसे पकड़ने के लिए यूपी पुलिस से भी मदद मांगी गई है। पुलिस ने सो मोटो इस घटना का वीडियो जो वायरल हुआ है उसके आधार पर संज्ञान लिया है और होटल के सिक्योरिटी स्टाफ को अप्रोच करने के बाद FIR रजिस्टर की है। इसमें से एक ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उसके लिए तमाम टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करके जो लोकेशंस आइडेंटिफाई हुई हैं वहाँ पर रवाना कर दिया गया है। ये सूचना मिली है कि ये व्यक्ति लखनऊ शहर का रहने वाला है जिसके हाथ में पिस्तौल दिखाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ पूरे कोऑर्डिनेशन में हम लोग हैं और जो भी सूचना इस व्यक्ति के बारे में है उनके साथ शेयर की गई है। इसके साथ साथ ये अंदेशा भी व्यक्त किया जा रहा था कि ये व्यक्ति देश छोड़ सकता है। इस सूचना के आधार पर पूरे देश के एयरपोर्ट्स पर इसकी LOC खुलवा दी गई है और बहुत जल्दी हमारी टीम्स इस आदमी को अपने कब्जे में करके इन्वेस्टिगेशन को इसके लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे। बसपा के पूर्व सांसद राकेश पांडे के बेटे आशीष पांडे ने दिल्ली के 5 सितारा होटल में जिस तरह से आशीष पांडे द्वारा दबंगई की गई थी, उसी दबंगई को देखते हुए कहीं ना कहीं जो गृह मंत्रालय है दिल्ली का, उसने संज्ञान लिया इस घटना को और संज्ञान लेने के बाद ही उसने आशीष पांडे के खिलाफ आर्म एक्ट के तहत मुकदमा दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है। आप देख सकते हैं कि ये वही अपार्टमेंट है, संतुष्टि अपार्टमेंट लखनऊ में, जहाँ पर आशीष पांडे
परिवार के साथ रहता था और मीडिया में खबर चलने के बाद कहीं ना कहीं वो सजग हो गया और जो सूत्रों की माने तो आज सुबह ही वो अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल गया है। अगर इसके पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो इनके पिताजी राकेश पांडे अंबेडकर नगर से सांसद रहे हैं, इनके चाचा हैं पवन पांडे हैं जो बाहुबली और माफियाओं की गिनती में उनकी गिनती की जाती है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं किस तरह से ये अपराधी किस्म के आशीष पांडे को तलाश की जा रही दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है और जो भी इसके संभावित ठिकाने हैं उस पर दिल्ली पुलिस की कड़ी निगाहें हैं। कैमरामैन अनुराग के साथ उमेश मिश्रा, लाइव टुडे, लखनऊ। दिल्ली से महज 54 किलोमीटर की दूरी पर बागपत का जिला अस्पताल एक लड़की की चीखों से दहल उठा था। वजह थी गैंगरेप, क्योंकि जिसके सहारे उस बेटी की जिंदगी थी उन्होंने ही उसकी जिंदगी और जिस्म के साथ खिलवाड़ किया था। वो बेटी आज अजीम दर्द से गुजर रही है। बागपत में बेहद सनसनीखेज वारदात। तो डॉक्टर साहब ने बोला उसके लिए चाय लेके आओ, मैं चाय लेने के लिए गई थी तो यहाँ पे आई तो दो लोगों ने उसके साथ गलत काम करा था। इमरजेंसी में एडमिट लड़की के साथ ज्यादती। यहाँ पे इमरजेंसी में करते हैं जी, बॉय वार्ड है। नशीला इंजेक्शन देकर बनाया हवस का शिकार। तो यहाँ पे आई तो दो लोगों ने उसके साथ गलत काम करा था। अस्पताल में जिस्म और जिंदगी के साथ खिलवाड़। ये लड़की अपने दोनों पैरों पर ठीक तरीके से चल भी नहीं सकती। जानते हैं क्यों? क्योंकि इमरजेंसी में भर्ती इस लड़की के साथ अस्पताल कर्मियों ने ही बलात्कार किया है। और जब मुझे उसकी ज़्यादा तबीयत खराब थी तो डॉक्टर साहब ने बोला उसके लिए चाय लेके आओ, मैं चाय लेने के लिए गई थी तो यहाँ पे आई तो दो लोगों ने उसके साथ गलत काम करा था। मैंने उन दोनों को देखा है, फिर मैंने इमरजेंसी में जाके बताया, इमरजेंसी वालों ने फिर उनको पकड़ा है, फिर वे यहाँ से निकल के भाग गए। कब की घटना है ये? रात की 12 बजे की घटना है। बागपत के जिला अस्पताल के ही वार्ड बॉय और एक अन्य कर्मचारी ने मरीज को नशीला इंजेक्शन देकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गए। वारदात के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारी पीड़ित का मेडिकल कराकर मामले की तफ्तीश में जुटे हैं। एक रेप की सूचना मिली है जिसमें एक बालिका के साथ हॉस्पिटल के भी स्टाफ जो कि एक वार्ड बॉय था और एक फार्मा करके यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था, उसके द्वारा दुष्कर्म की शिकायत मिली है। प्रकरण में अभी वो पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, जल्दी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। मुमकिन है कि आरोपी जल्द ही पुलिस गिरफ्त में आ जाए, मगर इस वारदात के बाद जो सवाल सबके जहन में पनप रहा है वो ये कि ऐसे इंसान शैतानों से भी क्या गए गुजरे हैं, कि ऐसे दरिंदों को खुद को इंसान कहने का भी हक है? बागपत से गुरुवचन सिंह की रिपोर्ट। उसका ओहदा सोसाइटी में ड्राइवर का था। उसने सोचा कि वो अपने से कम ओहदे वाली महिला के साथ ज्यादती करेगा तो किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी, लिहाजा वो लिफ्ट को सोसाइटी की छत पर ले गया। फिर जो कुछ उसने किया उसने गाजियाबाद पुलिस के फाइलों में जुर्म का एक और पन्ना जोड़ दिया। जिस शख्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसकी हैसियत गाजियाबाद की एक सोसाइटी में ड्राइवर की है। इसने जिस जुर्म को अंजाम देने की नापाक कोशिश की है वो न केवल अजीम गुनाह की फेहरिस्त में आता है बल्कि ये गुनाह एक ऐसा गुनाह है
जो जीती जागती महिला को इतना लाचार कर देता है कि वो ताउम्र उस दर्द के सदमे से निकल नहीं पाते। इंदिरापुरम इलाके की एटीएस सोसाइटी की लिफ्ट में रेप की कोशिश करने वाला यही वो शख्स है जिसने सोसाइटी में ही बतौर मेड काम करने वाली महिला को गलत नीयत से देखा और जब वो वापस लौट रही थी तब अचानक ये शख्स लिफ्ट में दाखिल हो गया। फिर इसने महिला के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। सर मुझा तो गलती मान लो जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, वैसे मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। आप मेरा चेकअप भी करा सकते हो, उन ऐसा बात है तो उनका भी चेकअप करा सकते हो, कहीं मैंने ऐसा कुछ गलत किया है। क्यों आरोप लगाया? कोई झगड़ा वगड़ा था? क्यों आरोप लगाया? नहीं सर, ऐसा तो कोई झगड़ा वगड़ा नहीं था, कोई ना कोई ऐसी, बस वो हंसती रहती थी। मैं उनकी तरफ कोई गौर, मेरा व्रत था सर, 9 दिन का व्रत है मेरा, माता रानी का व्रत कर रहा था, मेरा मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। किसके ड्राइवर हो तुम? सर मैं 9/3 की गाड़ी चलाता हूँ, 50/93 वालों की। गुनहगार की ख्वाहिश लिफ्ट को सोसाइटी के छत पर ले जाने की थी ताकि आसानी से अपने मंसूबे में कामयाब हो सके। मगर गनीमत रही कि महिला ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाया और नीचे भागकर ज्यादती से छुटकारा पाया। ये इंद्रपुरम में एक सोसाइटी है, वहाँ पे कल शाम ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला जो कि उस सोसाइटी में मेड का काम करती है और वहीं उसी सोसाइटी में ड्राइवरी का काम करने वाला एक लड़का है, उसने महिला के साथ बलात्कार का प्रयास किया था। इस संबंध में थाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी भी कर दी गई है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये ATS सोसाइटी है, वहाँ पर उसकी घटना है और लिफ्ट में पहले बताया गया कि पहले लिफ्ट में अभद्रता करने का प्रयास किया गया, उसके बाद छत पर ले जाने की बात बताई गई, फिर इस संबंध में थाने पर मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर गाजियाबाद की सोसाइटी में जिस तरीके से नापाक मंसूबे को अंजाम देने की हिमाकत की गई वो वाकई बेहद सनसनीखेज है। गाजियाबाद से जावेद चौधरी की रिपोर्ट। तो क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही, मगर लाइव टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।